बुलंदशहर जेल में बंद विचाराधीन बंदियों में एचआईवी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने इसकी पुष्टि की है। सभी बंदियों को इलाज के लिए मेरठ मेडिकल भेजा जा चुका है। दरअसल जिला कारागार में बंद बंदियों का प्रत्येक दूसरे शनिवार और चौथे शुक्रवार को स्वास्थ्य परीक्षण होता है, जिसमें 5 बंदियों में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों में कैसे एचआईवी पॉजिटिव हुआ है, इसकी जाँच की जा रही है। तो बुलंदशहर में बात की जाए तो जेल में बंद विचाराधीन बंदियों में एचआईवी के लक्षण मिले हैं। इसके पहले गोरखपुर में भी कई कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। मेरठ में भी 10 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा गाजियाबाद में भी 27 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए थे, जिनमें एक महिला थी। और अब ये मामला ताजा बुलंदशहर का। आपको बता दें कि इसकी पुष्टि खुद जेल सुपरिटेंडेंट ने की है। सभी बंदियों को इलाज के लिए मेरठ मेडिकल भेजा जा चुका है। दरअसल जिला कारागार में बंद बंदियों को प्रत्येक दूसरे शनिवार को और चौथे शुक्रवार को स्वास्थ्य परीक्षण होता है, और आज जब ये परीक्षण किया गया तो इसमें 5 बंदियों में एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। जेलों में कैसे पहुंच रहा है एड्स का खतरा? एड्स सब कैदियों के लिए खतरनाक बीमारी बनती जा रही है, क्योंकि पता नहीं कौन से कैदी को कब एचआईवी पॉजिटिव हो जाए।